हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के अंदर जितने भी सारे ड्रग हैं जो कि हमारे लिपिड के लेवल को कम करने के लिए यूजफुल होते हैं, इनका रेस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन। तो आज के वीडियो में हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं इन क्लासिफिकेशन में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्लास के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पॉइंट वाइज और विद द रेस्पेक्टिव डायग्राम के साथ समझ करके। इस वीडियो में हम दो चीजें एक्स्ट्रा करने वाले हैं, वो ये है कि हमने जितने भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनको पॉइंट वाइज कन्वर्ट किया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। दूसरा, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसी चैप्टर से डिराइव किया है ताकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके जीपैट के एग्जाम के लिए, इसके साथ साथ दूसरे फार्मेसी के कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सब्जेक्ट के मेन सिलेबस को अकॉर्डिंगली मेन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए पहले एक लाइन में कि व्हाट आर द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। सो ऐसे सारे के सारे ड्रग जो कि हमारे बॉडी में बढ़े हुए टोटल ट्राइग्लिसराइड या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ऑप्टिमम लेवल तक लेकर के आते हैं बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन, सिंथेसिस, रीअब्सॉर्प्शन और इंक्रीजिंग द एलिमिनेशन ऑफ लिपिड फ्रॉम आवर बॉडी। इनको सिंपल तरह हम कह सकते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग और हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। तो सबसे पहला जो क्लास है ये है एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस इनहिबिटर, यानी कि ये ऐसे ड्रग हैं जो इनहिबिट कर रहे होंगे हमारे एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस को। यहां पे ये क्या कहने का चाह रहा है, यहां पे आप जो देख रहे हैं HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस, ये एक ऐसा एंजाइम है जो HMG कोएंजाइम को रिड्यूस करके आपके कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को इनिशिएट कर रहा होगा। आपके डाइट से आने वाले जितने भी हैं सब्सटेंस हैं इनको अल्टीमेटली ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर रहा होगा अकॉर्डिंगली। तो अगर हम किसी तरीके से इसी बायोसिंथेसिस को इनहिबिट कर दें या इस बायोसिंथेसिस के लिए जो रेट लिमिटिंग स्टेप है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस, इनको अगर हम रिड्यूस कर दें, इनहिबिट कर दें, तो अल्टीमेटली हम आपके कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कम कर सकते हैं। यही है हमारे HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस का काम करने का तरीका और यही क्लास कहता है, स्टेटिंस भी इसी को कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं अदर नेम ऑफ दिस क्लास, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटिंस। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो रोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन और प्रोवास्टेटिन, ये इस कैटेगरी के काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इससे जुड़ी हुई, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट कंडीशंस को विद द रेस्पेक्टिव पॉइंट वाइज। अगर हम बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट की, तो पहला जो की पॉइंट है वो ये कहता है दे आर द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ये जो पहला लाइन है यही काफी कुछ इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इसका मैकेनिज्म कह रहा है। ये स्ट्रक्चरल एनालॉगस हैं HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज के, यानी कि ये बिल्कुल बिल्कुल कह लीजिए कि बिल्कुल उसी के जैसे दिखते हैं जैसा कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज है, और उन्हीं के स्ट्रक्चरल एनालॉग यानी कि हूबहू उसकी जैसा होने की वजह से ये उसके एक्चुअल फॉर्म के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं और उसकी बाइंडिंग साइट को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह बाइंड हो जाते हैं, और इस तरीके से जो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप था बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल में इसको अफेक्ट करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। अगर आप समझना चाहेंगे तो दूसरे पॉइंट से इसको और अच्छे से समझा जा सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है दे कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ HMG कोएंजाइम ए। इसको समझने के लिए हमने छोटा सा एक डायग्राम प्लॉट किया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक रिसेप्टर है जिस पे एक्चुअल अगर हम बात करते ड्रग के लेने के पहले के कंडीशन के अकॉर्डिंगली तो इसी पे हमारा HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज बाइंड कर रहा होता और इस बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को इनिशिएट कर रहा है। चूंकि हम इसको इनहिबिट करने के लिए HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर का यूज कर रहे हैं, दीज आर द इनहिबिटर एंड विच आर द स्ट्रक्चरल एनालॉगस ऑफ द पर्टिकुलर HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, तो उनकी जगह ये खुद बाइंड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पे जो हमने ग्रीन में डिनोट किया है ये रियल या एक्चुअल HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस है। चूंकि हम उसको इनहिबिट करना चाहते हैं तो उसकी जगह स्टेटिंस यानी कि ये पहला क्लास के ड्रग को दे रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करके उनको यानी कि एक्चुअल HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस को उनकी जगह से डिस्प्लेस करके खुद कॉम्पिटिटिवली उनकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। चूंकि ये रियल में वो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस नहीं है, इसलिए आगे जाकर के जो इनकी बायोसिंथेसिस की प्रोसेस है जिसके फॉर्मेशन के थ्रू अल्टीमेटली हमारा लास्ट प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल बनता, ये कोलेस्ट्रॉल इनहिबिट हो जाएगा। आपने देखा है इसके पहले के वीडियो में कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए हम जब बात करते हैं तो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस ये आगे जाकर के मेवेलोनिक एसिड बनते हैं जो कि फर्दर प्रोसेस होने के बाद कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। तो जो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस हैं इन्हीं स्टेप को अफेक्ट करेंगे जिसके बारे में हम डायग्राम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो ये उनके एक काम करने का तरीका हुआ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो ये नोट समझ लीजिए या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ
लीजिए कि दीज आर अ रेट लिमिटिंग स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं रेट लिमिटिंग स्टेप, ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में इसके जो मैकेनिज्म है उनको एक्सप्लेन करता है। रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब पूरे के पूरे प्रोसेस में कई सारे स्टेप हो रहे होंगे, कई सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को थ्रू आके जाकर के आपका कोलेस्ट्रॉल बन रहा होगा, तो उन सारे स्टेप में से ऐसा कौन सा स्टेप है जिसको अगर हम अफेक्ट करें तो वो एक सिंगल स्टेप पूरे के पूरे फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, यहां पर अगर बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के बनने के रेट को काफी ज्यादा अल्टर कर सकता है, दिस इज सिंपली नोन एज अ रेट लिमिटिंग स्टेप। तो अगर हम इसी रेट लिमिटिंग स्टेप को कम करते हैं तो पूरा सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, और अगर किसी और जगह इसी के बारे में आप पढ़ रहे होते रेट लिमिटिंग स्टेप के बारे में तो उन्हीं को अगर हम इंक्रीज करते जो रेट और ज्यादा अच्छा हो सकता था। सो रेट लिमिटिंग स्टेप कहने का मतलब है मेन पॉइंट की स्टेप ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन या पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंथेसिस, तो ये एक की स्टेप है, ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो अगर हम इसी को HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस को इनहिबिट कर देते हैं तो हमारा जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा कोलेस्ट्रॉल ये प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, और इसी तरीके से अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाएगा तो हमारे ब्लड में सीरम में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा, और यही तो हमारे ड्रग को लेने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एनी हाउ हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करें। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के पीछे का जो मेन पॉइंट है, गोल है, वो हमने आपको डिस्कस किया था कि या तो आप ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर दें, या तो LDL के लेवल को कम कर दें, या तो HDL के लेवल को इंक्रीज कर दें, और ये दो जो पॉइंट है इनको एक्सेप्ट कैसे किया जा सकता है, या तो आप अपने डाइट में से कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर दें, या तो आप बाइल एसिड के रीअब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से लीवर तक इनहिबिट कर दें, या तो आप उस बाइल एसिड के एक्सक्रीशन को थ्रू आपके फीकल रूट इनको इंक्रीज कर दें। इस तरीके से हम आपके लेवल को यानी कि LDL के लेवल को ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर सकते हैं, और ये एक काफी अच्छा ट्रीटमेंट है। अब अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो सबसे पहले हमको यहां पे डायग्राम को समझना होगा, डायग्राम को समझ में आ जाएगा तो ये सारे पॉइंट अपने आप लिख करके डिराइव कर सकते हैं। आज के रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हुए इसे हमने लिया हुआ है लिपिन कॉर्ड के लेटेस्ट एडिशन से, जबकि इसी का जो थ्योरी कन्वर्जन है ये हमने डिराइव किया हुआ है कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद की बुक से। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम को समझें, डायग्राम को समझेंगे तो थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो पूरे स्टेप हैं इनको हमने ग्रीन कलर के पेन से आपको नंबर किया हुआ है, सीक्वेंस किया हुआ है कि कौन सा स्टेप पहला है कौन सा दूसरा है, ताकि आप इस डायग्राम में कहीं भटक ना जाएं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। सबसे पहला स्टेप आप देख सकते हैं यहां पे, ये जो स्टेप है ये है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जब हम बात कर रहे थे रेट लिमिटिंग स्टेप की तो वो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री नहीं है इसलिए हम उसके डायरेक्ट डेरिवेशन को लिख रहे हैं। इसके अंदर जो और अदर एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं, इनको हमने यहां पे स्किप कर दिया हुआ है जो आप बायोकेमिस्ट्री में देख पाएंगे। तो सबसे पहले जो एसिटेट है वो आगे अलाउ करता है HMG कोएंजाइम ए के बनने को, यही HMG कोएंजाइम ए आगे जाकर के आपके मेवलोनिक एसिड के फॉर्मेशन करते हैं, ये मेवलोनिक एसिड आगे जाकर के कोलेस्ट्रॉल को बना रहा होता है। तो इस तरीके से अगर ये प्रोसेस नॉर्मली चलता बिना किसी ड्रग के दिए, ये इमेजिन करिए कि हमने अभी कोई भी ड्रग नहीं दिया है, तो हमारे बॉडी में उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा होगा जिसको हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन है, तो उसके कंडीशन में यही HMG कोएंजाइम ए आगे जाकर के मेवलोनिक एसिड, यही मेवलोनिक एसिड आगे जाकर के कोलेस्ट्रॉल में बन रहा होता, क्योंकि अब उसके बॉडी में लिपिड का लेवल ज्यादा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो रहा है, दैट इज व्हाई ही इज टेकिंग एंटीहाइपरलिपिडेमिक ड्रग। उसके अंदर कौन सा ड्रग ले रहा है, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज यानी कि स्टेटिंस कैटेगरी के ड्रग ले रहे हैं। तो ये कैसे काम करेंगे और इसके काम करने का तरीका क्या है, अब वो देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर की, जो ड्रग दे रहे हैं वो यहां पे काम कर रहा है, यानी कि HMG कोएंजाइम ए से लेकर के मेवलोनिक एसिड के बनने के प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है, और यही वो प्रोसेस है जिसको हमने नाम दिया था रेट लिमिटिंग स्टेप। क्योंकि अगर HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस इनहिबिटर इसी HMG कोएंजाइम ए को मेवलोनिक एसिड में बनने नहीं देंगे तो आगे का प्रोसेस तो वहीं पे स्लो डाउन हो जाएगा, रुक जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप। आगे का प्रोसेस देखते हैं, अगर इनके काम करने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल बना है इनका लेवल कम होगा, क्योंकि ये ब्लॉकर नहीं है इनहिबिटर है, इसलिए इसको पूरी तरह से जीरो पे नहीं ला पाएंगे, उनके जो वॉल्यूम है उनका जो अमाउंट है आपके कोलेस्ट्रॉल बनने का इनको जरूर कम करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो कोलेस्ट्रॉल कम बन रहा है अब क्या होगा, अब हमको देखना है सेकेंड स्टेप।
ये जो कोलेस्ट्रॉल कम बन रहे होंगे तो इनके कम बनने की वजह से सेंसिंग फिलोमिना के अकॉर्डिंगली ये आपके डीएनए को मैसेज भेजेंगे। ये डीएनए एमआरएनए के थ्रू आपके राइबोसोम को फॉलो करते हुए जिसके अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये राइबोसोम आगे जाकर के रिसेप्टर बनाएंगे। ये कौन से रिसेप्टर हैं? ये एलडीएल रिसेप्टर हैं और ये एलडीएल रिसेप्टर के बनने के प्रोसेस को ट्रिगर आउट करते हैं। यहां पे क्या लॉजिक है ये समझ लीजिए। दूसरा स्टेप तो ये हुआ, देखिए पहला स्टेप ये था कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हुआ। दूसरा स्टेप क्या कहता था, लो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज द एलडीएल रिसेप्टर सिंथेसिस। अगर आपकी बॉडी में, अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है तो ये एलडीएल रिसेप्टर के बनने के प्रोसेस को ट्रिगर करेंगे और उसकी वजह से जो डीएनए है एमआरएनए तक मैसेज भेजेगा, चूंकि मैसेंजर आरएनए है। इसके बाद राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करना शुरू करेंगे, ये आगे जाकर के आपके रिसेप्टर को कन्वर्ट करेंगे। ये रिसेप्टर पे आगे जाकर के जब इनकी संख्या बढ़ेगी, इट इज ट्रिगरिंग या इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एलडीएल रिसेप्टर। तो अगर एलडीएल रिसेप्टर की संख्या बढ़ती है तो हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है उनको बाइंड करने के लिए रिसेप्टर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पे आप देखिए, ये पूरा का पूरा ब्लड हिस्सा है और आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपके सेल के अंदर का पार्ट है। तो जैसे ही आपके एलडीएल रिसेप्टर की संख्या बढ़ेगी, ये जो सर्कुलेटिंग एलडीएल है, दीज आर द सर्कुलेटिंग एलडीएल, और ये आपका जो रिसेप्टर बना हुआ था ये आपके सेल के सरफेस पे पहुंच चुका है। तो ये सर्कुलेटिंग एलडीएल आपके एलडीएल रिसेप्टर के साथ, दीज ग्रीन कलर में आप जो देख रहे हैं वो एलडीएल रिसेप्टर है, तो इस ग्रीन कलर के रिसेप्टर के साथ बाइंड अप हो जाएगा। तो एलडीएल और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे एंड दिस इज एलडीएल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसी को जूम तरीके से आप देखेंगे तो यहां पे दिख कैसा रहा होगा, तो ये है आपका रिसेप्टर एलडीएल रिसेप्टर और ये है आपका सर्कुलेटिंग एलडीएल जो कि यहां पे एक बाइंड बना लेते हैं। क्योंकि ये अब रिसेप्टर की संख्या बढ़ गई है इसीलिए ये जो रिसेप्टर हैं इस सर्कुलेटिंग एलडीएल को आपके ब्लड से बाइंड अप करके क्लीन अप करने के लिए आगे लेकर के जाते हैं। और ये जो स्टेप है थर्ड स्टेप, ये क्या कहता है, इंक्रीज एलडीएल, यानी कि अगर आपके एलडीएल का जो लेवल है वो बढ़ेगा तो इंक्रीज एलडीएल अपटेक। एलडीएल का लेवल आपके ब्लड में ज्यादा है और अभी आपका एलडीएल का सिंथेसिस ज्यादा हुआ है तो ये जो रिसेप्टर हैं उस पर्टिकुलर फ्लो हो रहे एलडीएल को एक्सेप्ट करेंगे, बाइंड करेंगे और आगे जाकर के अपटेक करने के बाद उनको क्लियर आउट कर देंगे। तो ये है एक सिंपल सा प्रोसेस आपके जो एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज है इनके काम करने का। अगला प्रोसेस देख लेते हैं क्या होगा। अगला प्रोसेस जो चौथा स्टेप है वो हमने यहां पे दिया हुआ है, चूंकि एलडीएल कम का जो रिसेप्टर है उसकी संख्या बढ़ गई है इसलिए वो यूज कर पा रहे हैं। साथ ही साथ दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, चूंकि आपने इस एचएमजी कोएंजाइम की वजह से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस को कम कर दिया है तो लो कोलेस्ट्रॉल बने हैं, तो यही लो कोलेस्ट्रॉल आगे जाकर के वीएलडीएल के लेवल को भी कम करेंगे। That is, यहां पे हमने लिखा हुआ है लो इंट्रासेल्युलर कोलेस्ट्रॉल कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ VLDL। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हुआ, VLDL का लेवल भी कम हुआ, अपटेक ऑफ LDL भी ज्यादा हुआ क्योंकि हमारे जो रिसेप्टर हैं इनकी संख्या बढ़ चुकी है। अब हम इसी जो डायग्राम है इसको रेस्पेक्टिव उनके पॉइंट के अकॉर्डिंगली बात करते हैं, एक एक सिंगल सिंगल स्टेप के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आप देख सकते हैं ये है रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यहां पे एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज ने सबसे पहले क्या किया, द रेट लिमिटिंग स्टेप, यानी कि मेवलोनिक एसिड के बनने को आपके स्टेप को इनहिबिट किया जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस है वो रिड्यूस हो गया। सो पहला था रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। दूसरा जो पॉइंट है ये ट्रिगर करते हैं डीएनए सिंथेसिस को, ये ट्रिगर करते हैं डीएनए को ताकि डीएनए एमआरएनए बनाए। तो यहां पे आपने देखा ट्रिगर करते हैं डीएनए को, ये एमआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए आगे जाकर के फिर आपके एलडीएल रिसेप्टर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो द नेक्स्ट फंक्शन इज इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एलडीएल रिसेप्टर, इसी को आप समझ सकते हैं ये आपका एलडीएल रिसेप्टर है और इनके ये सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं। एलडीएल जो रिसेप्टर है इनके सिंथेसिस ज्यादा हो गए, इनका जो संख्या ज्यादा होगा तो जो ब्लड में हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सर्कुलेट हो रहे हैं उनको ज्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा आपके रिसेप्टर के द्वारा। उसके बाद जो अगला है वह है इंक्रीज द बाइंडिंग ऑफ एलडीएल विद रिसेप्टर। यहां पे जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोनों कंबाइंड रूप से कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये है इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ एलडीएल विद रिस्पेक्टिव एलडीएल रिसेप्टर। अगला जो पॉइंट है इंक्रीज क्लियरेंस ऑफ एलडीएल, ये जब रिसेप्टर बाइंड होंगे तो फिर आगे जाकर के ये क्लियरेंस को इंक्रीज करेगा, इनको मेटाबोलाइज करके फर्दर जो भी प्रोसेस होते हैं आपके उनको द्वारा ये क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज एलडीएल इज इक्वल टू डिक्रीज वीएलडीएल। अगर
एलडीएल का लेवल डिक्रीज होता है तो ये आगे जाकर के वीएलडीएल के लेवल को भी कम कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट काम करने के कॉन्सिक्वेंस हैं। अगला अब हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट की जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर में से एंटी हाइपरलिपिडेमिक चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो अब हम देख लेते हैं। जितने भी स्टेटिन के डिग्री के ड्रग हैं इनको किस सोर्स से डिराइव किया गया है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ सोर्स ऐसे हैं जो फंगल डेरिवेटिव हैं, कुछ आपके सिंथेटिक डेरिवेटिव हैं। तो फंगल डेरिवेटिव कौन कौन से हैं इस स्टेटिन्स के, तो ये हैं लोवेस्टेटिन, प्रावेस्टेटिन, ये आपके फंगल सोर्स से डिराइव किए हुए हैं। जबकि सिंथेटिक सोर्स के बारे में बात करते हैं आप तो फ्लूवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक सोर्स के। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोड्रग की, तो प्रोड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि लीवर में जाकर के एक्टिवेट होते हैं और अपनी एक्टिविटी देते हैं। लीवर में जाने से पहले या इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो बायोसिंथेसिस बायोट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उनको फॉलो करके वो एक्टिव कंसिस में कन्वर्ट होते हैं। तो जो हमारे लो वेस्टेटिन है, सिम वेस्टेटिन है, ये हमारे लीवर में जाकर के हाइड्रोलाइसिस होते हैं और जाकर के एक्टिव कंपोनेंट में कन्वर्ट होते हैं ताकि वो अपना एक्शन शो कर सकें। सो फ्रेंड आज के जो वीडियो है इसमें हमने पहला पॉइंट यानी कि एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर के मैकेनिज्म एक्शन के बारे में देखा और उसको समझने के लिए हमने डायग्राम और कुछ पॉइंट्स कवर किए। आप अगर और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए बहुत जल्दी ही इस जो मैकेनिज्म एक्शन का फ्लो चार्ट है इसको एनिमेशन के फॉर्म में लेकर के आने वाले हैं जिसमें आप हर एक स्टेप को पॉज करके रोक करके देख सकते हैं कि इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो ये जो एनिमेशन होगा वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो बहुत जल्दी भी हम आपके लिए इसी एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक एनिमेशन के फॉर्म में लेकर के आएंगे। अगर आप आज के इस टॉपिक की समरी बात करना चाहेंगे तो समरी बहुत सा क्लियर है। HMG coenzyme reductase है, इनको अगर हम inhibit कर दें तो ये आपके cholesterol के biosynthesis के process को affect करेगा as a rate limiting step। इनके जो कारण है काम करने के वो हैं कि they are structural analogs of HMG coenzyme A reductase जो हमारे statin है, ये उनके काम करने के तरीके हैं। So आपका जो mechanism हुआ ये तो आपके structural analogs की वजह से हुआ, आपके competitive inhibitor की वजह से हुआ। कोलेस्ट्रॉल के बनने का कम होगा तो आपके एलडीएल का लेवल बढ़ेगा, एलडीएल रिसेप्टर का लेवल बढ़ेगा, एलडीएल रिसेप्टर का अगर जो अमाउंट है संख्या है वो बढ़ेगा तो जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल है वो ज्यादा यूज किया जाएंगे और इस तरीके से आपके बॉडी में, आपके ब्लड में, आपके सीरम में बढ़े हुए टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हम कम कर सकते हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आपके पहले क्लास एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर का। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको मालूम ही है कि हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें हम हर एक रात को 8 बजे नया चैनल पे जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी बाय सॉल्यूशन फार्मेसी। इसमें आपके फार्मेसी के सारे सब्जेक्ट को एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड को हम डिराइव करके इनको 2 से 2.5 मिनट के ड्यूरेशन में एक्सप्लेन करते हैं इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, जो कि आगे आने वाले समय में केवल हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट यूट्यूब पे भी सर्च कर पाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा, या तो अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट वहां पहुंचना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो फ्रेंड अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग सेमेस्टर क्लासेस। थैंक यू।